नमस्कार, भक्ति टॉप 20 में आपका स्वागत है और मैं हूं अनमोल कुमार। आइए आपको बताते हैं धर्म और अध्यात्म जगत से जुड़ी 20 बड़ी खबरें। आज देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस दिन ही भारत को 1950 में अपना संविधान मिला था। गणतंत्र दिवस के मौके पर देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम संविधान रात 9:40 पर सत्संग चैनल पर। भारत में हिंदू देवी देवताओं के बेहद खास मंदिर अलग अलग स्थानों पर मौजूद हैं, पर बेंगलुरु में भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जिसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि अनगिनत शिवलिंग मौजूद हैं। इसलिए इस मंदिर का नाम भी कोटी लिंगेश्वर है। इस मंदिर की पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर इंद्र ने गौतम ऋषि के शाप से मुक्त होने के लिए शिवलिंग की स्थापना की थी। बनारस स्थित रासीपुर के प्राचीन शिव मंदिर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए लगभग 20 लाख रुपए का बजट भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 जनवरी को इसका शिलान्यास किया था। अयोध्या में बन रहे राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर बनने की प्रक्रिया प्रगति पर है। इसी कड़ी में कर्नाटक से आए ग्रेनाइट पत्थरों से प्लिंथ निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। गाजीपुर में नवापुरा स्थित दुर्गा शिव साईं मंदिर में प्रसाद और लंगर की गुणवत्ता को देखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा प्रमाण पत्र जल्द दिया जाएगा। प्रसाद की शुद्धता का प्रमाण पत्र पाने वाला ये जिले का पहला मंदिर होगा। पूज्या माँ कनकेश्वरी देवी जी के श्रीमुख से 31 जनवरी से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 7 फरवरी तक चलने वाली कथा मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आयोजित की जाएगी। सवाई माधोपुर में 20 जनवरी से बंद चौथ माता मंदिर के पट खोल दिए गए हैं। मंदिर खुलने के बाद एक विशेष बात ये रही कि मंदिर की सीढ़ियों के नीचे ही एक द्वार बना दिया गया है। यहां से गुजरने वाले भक्त हाथ सैनिटाइज करके ही अंदर जा रहे हैं। साथ ही पूजा प्रसाद की सामग्री को भी अंदर ले जाने पर रोक लगा दी गई है। जोधपुर में पिपलेश्वर महादेव मंदिर में संत समागम और धार्मिक अनुष्ठान के साथ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। संतों की उपस्थिति में विधि विधान व मंत्रोच्चार के साथ मां सरस्वती, भगवान विष्णु, तिरुपति बालाजी, बाबा रामदेव, जुगल जोड़ी और शिव परिवार की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। नागौर जिले के खंवर में ग्रामीणों के आर्थिक सहयोग से श्री वीर गोगाजी गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है। गौशाला का काफी हिस्सा बनकर तैयार भी हो चुका है, जहां सड़कों पर घूम रहे गौवंश को रखा गया है। प्रयागराज में जगत गुरु स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रवण कीजिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा का। 27 जनवरी से शुरू होने वाली इस कथा में महाराज श्री भगवान राम के बताए मार्गों पर चलने की देंगे प्रेरणा। बनारस स्थित गुरुधाम मंदिर संस्कृति का केंद्र बन चुका है। बीते दिनों यहाँ उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। 207 साल पुराने मंदिर में सांस्कृतिक गतिविधियां लोगों को आकर्षित कर रही हैं। इस स्थान को खास बनाते हैं रहस्य रोमांच जगाते 8 द्वार और साथ ही योग साधना से जुड़े मंदिर। काशी विश्वनाथ धाम में कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए बाबा को अर्पित की जाने वाली अभिषेक सामग्री की मात्रा में कमी की गई है, लेकिन सामग्री की संख्या नहीं घटाई गई है। उदयपुर के सलुम्बर कस्बे में वीरांगना हाड़ी रानी के ऐतिहासिक महलों के संरक्षण की मांग भारत सरकार से की गई है, जिसको लेकर रावली पोल स्थित राजमहलों का भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के द्वारा अवलोकन किया गया। अवलोकन करने आए अधिकारी महलों की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेंगे। भारत में वयस्कों और बुजुर्गों के बाद अब 15 से 18 साल के किशोर और किशोरियों के टीकाकरण का अभियान शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में उम्मीद की जा रही है कि फरवरी के आखिर में 12 से 14 साल आयु के बच्चों के लिए भी टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में शामिल अलीगढ़ का श्री वार्ष्णेय मंदिर काफी खूबसूरत है। मंदिर में बसंत पंचमी की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। बता दें कि मंदिर में इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। नासिक के पास वाडोली में शिव शक्ति के आश्रम में बना स्वरूपेश्वर वाणेश्वर महादेव मंदिर आजकल काफी सुर्खियों में है, और कारण है इस मंदिर का आकार। ये मंदिर दिखने में केदारनाथ मंदिर जैसा लगता है, इसी कारण इसे देखने दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं। पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के पावन सानिध्य में प्रयागराज में शुरू हुआ माघ महोत्सव कार्यक्रम। 7 फरवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में संगोष्ठी व दीक्षा समारोह का हो रहा है आयोजन। कार्यक्रम में भाग लेकर लोग सनातन धर्म के मार्ग पर चलने की ले रहे हैं प्रेरणा। पूज्य संत श्री मुरलीधर जी महाराज के पावन सानिध्य में जोधपुर राजस्थान से आनंद लीजिए श्री राम कथा का।
31 जनवरी से शुरू होने वाली इस कथा का सुबह 9:30 बजे से सीधा प्रसारण देखिए संस्कार पर। नाथ द्वारा में श्री जी मंदिर तक जाने वाले मंदिर मार्ग को चौड़ा करने की कवायद मंदिर मंडल ने शुरू कर दी है। उम्मीद की जा रही है निर्माण में 9 महीने का समय लग सकता है। बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले भक्तों को अब वहां पहुंचने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। देवघर में जल्द ही हवाई यात्रा शुरू होने वाली है, इसके लिए 2 कंपनियों ने अपनी मंजूरी दे दी है। तो ये थी धर्म और अध्यात्म से जुड़ी 20 बड़ी खबरें। लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके आसपास कोई धार्मिक गतिविधि या कोई कार्यक्रम हो रहा है तो आप इसकी जानकारी हमें info@sanskargroup.in पर दे सकते हैं। उन खबरों को हम दिखाएंगे भक्ति टॉप 20 में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।